आप सभी का स्वागत है जेल के मीडिया के इस नए कार्यक्रम में, इस नए अंक में। अब जम्मू कश्मीर में एक यूटी और दूसरी लद्दाख में 1 नवंबर से काम करना शुरू कर देगी। दोनों क्षेत्रों में एलजीओ को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले विश्व को ये बताने के लिए कि कश्मीर में हालात ठीक है, भारत सरकार ने 28 देशों के प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर में भेजने की बात कही है और ये प्रतिनिधि मंडल कल यहाँ पहुंच रहा है। इससे पहले आज इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की। उनका दौरा ये सिद्ध कर देगा कि जो विषैला प्रचार पाकिस्तान सहित कुछ देश कर रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कर रहा है, वो साफ साफ पता लग जाएगा कि कितना ये झूठ बोल रहे हैं। उधर दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया है कि भारत के साथ वो दोस्ताना संबंध बनाए, और कुछ अमेरिका की पहल से दोनों देशों के बीच सेना की जो हॉटलाइन है वो भी शुरू होने वाली है, बावजूद इसके पाकिस्तान फिर मूर्खता कर रहा है। और प्रधानमंत्री जो 2 दिवसीय दौरे पर आज जो विदेश जा रहे थे, उसके जहाज को पाकिस्तान क्षेत्र में नहीं आने दिया गया जहाँ से उड़ान होती है, इसकी भारत ने शिकायत पहले ही कर दी है। कुल मिला के जिस तरीके से एक प्रतिनिधि मंडल विदेशी आने वाला है, उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और पहले ही बहुत बातें साफ हो गई हैं, जिस तरीके से कश्मीर को ब्लैक डे मनाने के लिए रविवार को कई जगह पर प्रदर्शन हुए, ज़्यादातर प्रदर्शन जो है विफल हो गए और यूके में भी विफल हो गए, जो इस बात का प्रमाण देता है कि जो प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में कहा था कि भारत का ये आंतरिक मामला है और इसीलिए कोई ज़्यादा तवज्जो पाकिस्तान के उकसावे की नहीं दी गई। कहा जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में जीवन जो है सही पटरी पर आएगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। नमस्कार। Electronics Shopee, JNK's biggest mobile wholesale cum retail outlet. Are you suffering from any type of skin disease? Do you lose your confidence because of your baldness? Do you want to remove your tattoo, unwanted hair or black moles without any surgery? So here is Shine and Glow. Come and meet Dr. Amit Ved, laser aesthetic and cosmetic surgeon.